पता नहीं ये रेजर कहाँ के बाल काटने के लिए यहाँ पे रखा गया है। अरे यूट्यूब ऐसा समझेगा ये नंगा है यू, कॉपीराइट किथे उठे ए रुमाल ए। इधर से नहीं जा सकते ना, इधर से काठी पड़े हैं लांस अरे ना गाड़ी में जाएं के गाड़ी आहलो सीधा रोड जाएं सीधा से डमे हां ये बाजू साइड में है बोलो ना। हां आ रहे हो ना वे आ आले बंगला का कौन ठीक है आप बुहा दे दो हां ये तेरे को बेवकूफ है इसको पता ही नहीं है कुछ तो निर्लज्ज है निर्लज्ज प्रेमांशु ने हमेशा इतना घपला करता ही है, इसको पता ही नहीं होता है रोड कहाँ पे जाना है कहाँ नहीं जाना। अभी इतने पगडंडी पे लेके और हम बोल रहे हैं नहीं लेके जाओ यही है इतना कॉन्फिडेंस है वो तो ठीक है। वो भाई साहब ने बता दिया कि भाई यहाँ पे ऐसे उधर से जाने का तब माना है ये, बाकी ये तो अभी आगे तक लेके जाता ही है। गूगल मैप तेल बेचने का तू सालों से यहाँ पे रहता है तो पहली बार आ रहे है तो नहलाने के लिए इतना लाया ये बोलो दूर भाई बांसवाड़ा जाने का रास्ता पता है कि नहीं पता है हा? के चंद्रयान की तरह यहाँ पे रहना पड़ेगा, यहीं पे बस जाना पड़ेगा फिर नहीं तो। इसको रास्ते का तनिक भी ज्ञान नहीं है, 50 बार कह चुका हूँ मैं 50 बार, इतने घपले करता है। पहले इसने ये ब्लूप्रिंट बनाई थी वो हम पावागढ़ साइड गए थे वहां पे सब वाटरफॉल, हम 5 वाटरफॉल कवर करने वाले थे, 2 वाटरफॉल मुश्किल से कवर किए। इतना इसके साथ में ये बैड एक्सपीरियंस रहा। इसको कोई मतलब तैयारी करने के लिए मत दो कि तू यहाँ पे ये जो जगह है उसके बारे में जब सब जानकारी इकट्ठी करके रखना कहाँ से कैसे जाना है, इसको कुछ इसको खाली के थैले की तरह टांग के ले आओ, बराबर उसी में ये रहेगा। बाकी इसको पता ही नहीं चलता है, अभी भी इधर उधर ही कर रहा है कि राइट में जाओ लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ लेफ्ट में जाओ। बड़े सालों बाद बड़ा रोड दिखा है। अभी कैमरामैन हमारे दर्शकों को कुछ विशेष नजारे दिखाएंगे, दिखाइए जरा। ये पूरा वैली टाइप है, वैली पूरा बोल अंगूठा क्या था। ये पूरा वैली टाइप है, इसमें घर वर भी बने हुए हैं और वहां पे शायद देखना बहुत नीचे वैली नहीं फोन वैली में चला जाए। ये शायद यहाँ पे कोई रोड वगैरह भी है कुछ वाटर स्टेट तो है ना फोन। ये सब झाड़ियाँ भरवा दी है प्रेमांशु भैया ने, कांच में वाच में सब। फाइनली क्या हम लोकेशन पे आ चुके हैं और वो जो रास्ता वहां से जा रहे थे आगे 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 जा रहे थे, जब तक रोड डेड एंड नहीं हुआ तब तक वो प्रेमांशु बोला ही नहीं कि रोड खत्म हो गया आ गया यूं। और ये है अनास रिवर, बहुत ही जबरदस्त है, वर्थ इट है पूरी तरीके से, बहुत ही जबरदस्त है। नीचे जाके मैं इसका व्यू दिखाऊंगा,
एक बार आप व्यू देखिए, बहुत ही जबरदस्त है। मेरे लिए प्लेस इम्पोर्टेंट है, रोड नहीं है यो। हाँ, यहाँ पे तो सब जाते हैं, बाइक जाती करके एक्सी भी घुसा दी। बोलो इसने, हाँ वो उससे उधर घुसा के, इतना सा रोड था, मतलब जबरदस्ती का आधा टायर इधर वाला, आधा टायर इधर वाला नीचे ही रहता होगा। फिर सिद्धार्थ को बोलता है, अभी सिद्धार्थ का नया नया ड्राइवर है तो इसको ऐसा बोलता है कि यहाँ पे तेरे को बहुत सारा सीखने को मिलेगा। इसको सिखाने के लिए हम लाए, अरे भाई मामा ने गाड़ी चलाई वहाँ पर, एक ही जगह पे गाड़ी तूने चलाई, तीन जगह पे घिस दी है गाड़ी। अरे घिसी कुछ नहीं है, वो तो क्या है सब झाड़िया वाड़िया लगी होती है तो वो क्या है, कांटे वाटे होते हैं तो वो रगड़ के निकलती है। ये सब तेरी मेहरबानी है। लोकेशन तो एकदम जबरदस्त है और इसी लोकेशन का थोड़ा कबाड़ा भी करके रखा हुआ है लोगों ने। देखो ये कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है, बोलो ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा गंदगी है। वो शायद व्यू पॉइंट बना हुआ है और हो सकता है वहां से, हाँ वहां से धीरे धीरे उतर सकते हैं। देख वो है ना, हाँ वहां से ऐसे नीचे उतर के फिर हम नहाएंगे यहाँ पे नंगे होके। लोकेशन तो एकदम सही है, बहुत ही जबरदस्त है और ये एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, एक वो सामने आपको बताया था वो व्यू पॉइंट है ये वाला जो है ये, और बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ कैसा दिखता है। अब यहाँ पे नदी में नहाएंगे। लोकेशन तो एकदम उम्दा है लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो चट्टान है वो एकदम चिकनी है, तो जरा अगर संभल के आप ट्रैकिंग नहीं करोगे तो फिसल के जाओगे सीधे नदी में। यहाँ पे सब फोटोशूट चल रहा है और ये देखो अश्लीलता अपने चरम पर है। अब यहाँ से तो सीधा जा नहीं सकते हैं, ये पानी है पूरा, मतलब कितना गहरा अपने को मालूम नहीं है, और फिर यहाँ से थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। और ये क्या, यहाँ पे फिसलन ज्यादा है और यहाँ पे ये दोनों थोड़े 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 वहां पे भी जाके फिसल रहे हैं। इधर इधर कहाँ, ये अति संघर्ष करके काफी ऊंचाई पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं ये रेजर कहाँ के बाल काटने के लिए यहाँ पे रखा गया है। पता नहीं कहाँ के बाल काटने, अरे अभी वहां से आ रहा था ना तो वहां पे क्या है कि एक कोटी की बात आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा इतने दूर जाके किसने की होगी, सारा देखा उधर कोटी करके रखी हुई है, मतलब इतनी गंद फैला के रखी हुई है। इतनी अच्छी जगह आप देख पा रहे होंगे, बहुत जबरदस्त जगह है, फिर भी मतलब इतनी गंद फैला के रखी हुई है। अरे YouTube ऐसा समझेगा ये नंगा यूथ, कॉपीराइट अंडरवेयर पहनी हुई है इसने। हाँ भाई हाँ। रुको अंडरवेयर दिखानी पड़ेगी, ये जो ट्रैकिंग है वो आपको जितना सिंपल लग रहा होगा उतना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
वहाँ पे लगभग 500 बार हम फिसले होंगे। मतलब यहाँ से वहाँ पे जाना भी बहुत जबरदस्त का टास्क है। इतनी फिसलन है, अगर आप सही से ध्यान नहीं रखो आप टांग तोड़ के घर पे जाओगे। बहुत ज़्यादा फिसलन है। और यहाँ पे बीच में किसी ने सिगरेट के पैकेट वेपर्स वगैरह हैं, ये है वो है, सब कुछ डाल के रखा हुआ है। ये सब देखो नारियल की छाल है, ये सब मतलब बेच करके पूरा, मतलब पूरा गंदा करके रखा हुआ है। बाकी जगह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। मतलब ये वन टाइप ऑफ स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पे नहाने में बहुत मज़ा आया। इधर का पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, तो इधर जरा से भी गए मतलब पूरे गए। तो चलते हैं अभी सीधा दूसरे लोकेशन पे, और वो व्यू पॉइंट है वहाँ से मैं व्यू दिखाऊंगा आपको, बहुत सही लगेगा। और यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए भी आ रहे थे लोग, यहाँ पे एक भाई मछली पकड़ने के लिए आए, तो वहाँ पे जाल डाला तो उनकी दाल निकली। फिर इधर से वो तो एकदम सिंपल वे में, मतलब एक हाथ से जाल पकड़ रहे, एक हाथ से जा रहे हैं, सिंपल वे में जा रहे थे। और एक भाई तो थे, तो एक मतलब ये खड़ी चट्टान है, तो वहाँ पे चल के जा रहे थे बराबर ऊँचे से, मतलब यहाँ से ऊँचे से आपको दिख रहा होगा शायद, तो ऊँचे से चल के जा रहे हैं। तो एक दो बार तो मतलब डामाडोल भी हुए, तो हमें ऐसा लगा कि भाई कहीं ऊपर नीचे कुछ हो ना जाए, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि इतनी फिसलन है, यहाँ से गिरे तो आपकी टांग टूटेगी, वहाँ पे तो पूरे टूट जाओगे आप, मतलब ऊपर ही चले जाओगे। और रिकॉर्डिंग करते करते अगर चलेंगे तो भी आपकी टांग टूट जाएगी, मतलब दोनों, अगर आपको चलना है तो आपकी दोनों टांगे हैं वो एक्टिव होनी चाहिए, आपके दोनों हाथ हैं वो एक्टिव होने चाहिए। बाकी आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते करते जाओगे तो भी आप कहीं फिसल के गिर पड़ोगे। और इतनी फिसलन रहती नहीं है, क्योंकि अभी बारिश गिर रही है तो फिसलन रहती है। ये देखो यहाँ पे अगर आप उतना जाओगे तो यहाँ पे फिसल ही जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं। बारिश कितनी ज़बरदस्त है, सब धुआं 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 धुआं, पूरा फॉग ही फॉग है। अरे भीग जाएंगे भाई, अभी क्या नंगे पुंगे कपड़े गाड़ी में। बाकी जगह एकदम ज़बरदस्त है ना, ये देखो कैसे एकदम। दौड़ते नहीं है भाई, फिसल जाएंगे। अगर फिसल गए तो इस उम्र में हड्डियां नहीं जुड़ेगी। इधर किथे उठे, ए रुमाल, अरे भाई रुमाल छूट गया भाई, जल्दबाजी में। सीढ़ियाँ चढ़ना मतलब खड़ी चढ़ाई, एकदम सीढ़ियाँ मतलब इतनी ऊंची ऊंची है पैर आपके थक जाते हैं। ये चढ़ाई बहुत जबरदस्त है, धीरे 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 धीरे